ये देखिए आप रथी देवता का जो मंदिर है भीड़ भाड़ का गेट के पास पहुंचने वाला हूँ। आप देखेंगे पूरी तरीके से चारों तरफ यानी दोनों तरफ दुकानें लगी हुई है, काफी भीड़ भड़ाका है यहाँ पर और बहुत सारी लड़कियां महिलाएं और यूथ और जवान तमाम यहाँ पहुंचे हुए हैं। और ये देखिएगा अभी गेट है, ये द्वार है मेनली जो यहाँ पर लगा हुआ है और तरीके से गेट है श्री रथी देवता का मंदिर का मेला। और पूरी तरीके से पुलिस भी यहाँ पर ड्यूटी दे रही है। क्या बोला? और मैं देखता हूँ यहाँ पर मेरे सामने पुलिस भी ड्यूटी पर है हमारे। सर क्या नाम है सर आपका? चौहान जी, कितने पुलिस वाले यहाँ पर ड्यूटी पर लगे हुए हैं? यहाँ पे 20 आदमी जो है ड्यूटी पे थे, 5 महिला। ये मेला सिर्फ एक दिन का होता है क्या? हाँ, एक ही दिन। कितने लोग यहाँ पर सुबह से आ गए होंगे लगभग? सुबह से मेरे हिसाब से जो है 60-70 हज़ार। चले बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी। क्या यहाँ पर महिला पुलिस दिखाई नहीं दे रही है क्या? महिला पुलिस लगी हुई है? 5 महिला पुलिस। कितना स्टाफ लगा हुआ है? लगा हुआ है 7-6 लड़कियाँ। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी है क्या? लगी कितना स्टाफ उस पे है? उस पे 5। चलो सुबह से मेला पूरी तरीके से सुचारू चल रहा है या कुछ कहीं दिक्कत तो नहीं आई? शांतिपूर्वक चल रहा है। चले बहुत बहुत बधाई आपके लिए। तमाम पुलिस वाले अपनी ड्यूटी देते हुए आप देख सकते हैं बिल्कुल चकाचौंध यहाँ पर ड्यूटी दे रहे। और मैं आगे बढ़ता हूँ मंदिर की ओर। बिल्कुल कुछ महिलाएं आप देखेंगे यहाँ पर टोटल लोग पहुंचे हुए, जलेबी वाले पकौड़ी वाले तमाम लोग। पूछ के देखता हूँ आइसक्रीम वाले से। यस सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप सिंह अधिकारी है। अधिकारी जी क्या हैं आप यहाँ पर मंदिर समिति में? जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी। कब से हैं आप यहाँ पर? मैं तो सर यहीं के स्थानीय निवासी। क्या है इस मेले का महत्व में जो इतनी सारी भीड़ देखने को मिल रही है? मेले का महत्व ये है कि यहाँ पिछले 60 साल से जब से इस मेले रथी देवता के मंदिर की स्थापना हुई थी, उस बहुत छोटा था। बिल्कुल। तब से लगातार इस मेला, पहले बहुत छोटे स्तर पर ये मेला होता था, लेकिन आज प्रतिवर्ष यहाँ पे केवल पूरे क्षेत्र में हमारी समिति या रथी देवता की कृपा समझो या उसकी मान्यता। ये रथी क्या कोई फौजी था क्या? क्या कहानी इसके पीछे? इसके फौजी का नहीं था, ये रथी देवता हमारे पूर्वज थे और उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई थी हैजा से। ओके। कितने साल हो गए होंगे इस मेले को चलते हुए? मेले को चलते हुए यहाँ 60 साल तो हम लगातार इस मेला। चले आप यहाँ पर सचिव है, क्या यहाँ पर आपका कोई मंच नहीं बनाते? आप मंच बुलाएं, कोई सिंगर बुलाएं, कोई डीजे वगैरह लगे, साउंड की व्यवस्था हो, ऐसा कुछ नहीं है? एक्चुअली आप यदि ऊपर मंदिर प्रांगण में जाएंगे तो लगभग सारी चीजें की व्यवस्था है। जैसे है क्या वहाँ पर प्रोग्राम है चल रहा है? नहीं नहीं, ये प्रोग्राम क्योंकि सांस्कृतिक ऐसे जगह की बहुत कम है यहाँ पे। कुछ लोगों को कहना है यहाँ पर सफाई नहीं देखने को मिल रही है रोड में बिल्कुल। क्या आपको नगर पालिका या जो भी यहाँ पर व्यवस्था जिला प्रशासन आपको सपोर्ट नहीं करते क्या सफाई वगैरह? प्रशासन से भी हमने इस मामले में हमने बात तो नहीं की है, लेकिन हम स्थानीय लोग अपने सहयोग से मंदिर समिति अपने अपने स्तर पे करते हैं। कहीं ना कहीं नजर आ रहा पूरी तरह सफाई नहीं है, दुकानदारों का कहना है आप देखिए बहुत सारी धूल भी देखने मिली। क्या उम्मीद करेंगे अगली बार कुछ चेंजिंग आएगा? नहीं, वो एक्चुअली में क्या है आप अभी देख रहे हैं, आप मेला शुरू होते हुए आप आते ना फिर भी अभी कहीं ना कहीं थोड़ी व्यवस्था चलिए। फिर भी एक्चुअली क्या है आपको ये देखो, ये रोड एक संकरी है। चलिए अगली बार कुछ नया देखने को मिलेगा क्या? अगली बार हम आ रहा सोचना ये है कि अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ हम जैसे हमारे पारंपरिक वेशभूषा होती है, लोकल जो वेशभूषा होती है, जो हमारे यहाँ के लोकल डांस होते हैं। क्या कहना चाहते हैं मेलार्थियों के लिए, एक लाइन में क्या बोलेंगे आप मेलार्थी जो आ रहे हैं? मैं मेला के लिए यही कहना चाहूंगा कि सब लोगों को इस मेले में जरूर आना चाहिए, हमारी संस्कृति है। जैसा मेला का मतलब ही ये है कि सारे जिला प्रशासन का आपको सहयोग मिलता है पूरी तरीके से मिल रहा है। लगातार आपने देखा होगा कि हमारे एक लेटर या हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आपके इसके लिए। और कैसा कहना है कुछ नया देखने को मिलेगा शायद। बहुत बहुत धन्यवाद।